हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम डीके बेस पे पूरी डिटेल निकाल लें, ऐसा सॉफ्टवेयर हम कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। तो एक छोटा सा आपको डेमो मैं दे करके दिखाता हूँ, इसके पहले भी वीडियोज मैंने क्रिएट किए हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करना है, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पर टाइप करना है आपको एमएस एक्सेस। तो यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ और अब यहां पे टाइप करता हूं एमएस एक्सेस, ओके, और एंटर प्रेस करता हूं तो ये एमएस एक्सेस ओपन होने लगेगा। जैसा कि देख सकते हैं एमएस एक्सेस ओपन हो चुका है। ब्लैंक डेटाबेस पे करना है क्लिक और जैसे ही क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस पे यहां पर आ जाएगा क्रिएट, क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक और अब आपके सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो आएगा। यहां से व्यू पे करिए क्लिक और यहां से कोई नाम दे सकते हैं, मैं टेबल वन ही रहने देता हूं और अब हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है। तो देखिए कुल मिला के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं, फिर हम क्वेरी बनाते हैं, फिर हम फॉर्म पे चलते हैं और फिर हम रिपोर्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेरी, तो यहाँ पर बात करेंगे हम अभी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर एक आईडी सिंपल सा कर देता हूं मैं और इसे ऑटो नंबर रखता हूँ, ठीक है। ये प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने प्रोडक्ट नेम और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट का नाम और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी। तो देखिए प्राइस जो है करेंसी डेटा टाइप हम रखेंगे क्योंकि रुपए या पैसे इस तरह की चीजों में हम इसको देने वाले हैं, यहाँ पे डेटा यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे करेंसी रखा। यहाँ पे यूनिट कर देता हूँ कितना, एक दो तीन चार, कितना सामान खरीदा बेचा, तो इसके लिए यूनिट और यहाँ पे हम कर देंगे नंबर, ठीक है। अब चूंकि नंबर के बाद हो सकता है कि वो चीज डेसिमल में भी हो, तो इसके लिए यहाँ पे इसे डबल बना देता हूँ, डेसिमल में भी ये हमें एंटर करने की इजाजत दे देगा। अब फिर यहाँ पे टोटल प्राइस कर देते हैं, टोटल प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया टोटल प्राइस और यहाँ पर आप इसको भी कर देंगे करेंसी डेटा टाइप, ठीक है। तो ये हो गया। अब कुछ टैक्सेस वगैरह देना चाहें तो यहाँ पे टैक्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे देता हूँ टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स यहां पर आ जाएगा, इस प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने पर कितना रुपए टैक्स लगेगा वो चीज यहां पे आएगी। इसे नंबर कर देता हूं और नंबर के बाद यहां पर इसे डेसिमल बनाने के लिए डबल बना देंगे और यहां पे फॉर्मेट जो है हम परसेंट रखेंगे, क्या रखेंगे परसेंट, तो यहां पे लिख दिया परसेंट, ठीक है। इस तरीके से ये हमने कर दिया। अब यहां पे टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये टैक्स अमाउंट का एक कॉलम अलग से बना देता हूं, मिल जाती है एक कन्वीनियंस हमें मिल जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 या ऊपर के वर्जन्स में। यहां पर एक कैलकुलेटेड डेटा टाइप का प्रयोग किया गया है और यहीं पर चाहे तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अलग से भी क्वेरी बना सकते हैं, तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए यहीं पर मैं क्या करता हूं टैक्स अमाउंट कैलकुलेट ना करके और फिर हम क्वेरी में जाकर के वहां पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे पहले नंबर रख लेता हूं और इसे डेसिमल भी बना लेता हूं यहां से जाकर के, ताकि ये हमें डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर करने की अनुमति दे। और यहां से अब हम क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां से यस कर देंगे, तो ये इस तरीके से हमारे सामने शो होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस आएगी, यहाँ पे यूनिट और फिर यहाँ पे टोटल प्राइस आएगा, तो इस तरीके से ये आएगा और फिर यहाँ टैक्स कितना परसेंट लगा उसके हिसाब से टैक्स अमाउंट आ जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक और टेबल क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए, तो यहाँ कस्टमर के लिए एक टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आते हैं टेबल टू और यहाँ पे कस्टमर की ये टेबल है, तो यहाँ पे कर देता हूं मैं कस्टमर आईडी, ठीक है। क्या करता हूँ कस्टमर आईडी और इसका डेटा टाइप मैं टेक्स्ट रखूंगा, तो ये कर दिया कस्टमर आईडी, ऑटो नंबर नहीं रखना, इसे हमें शॉर्ट टेक्स्ट रखना है और फिर यहाँ पे कस्टमर का नेम आएगा, ठीक है, कस्टमर नेम, ओके। तो ये कर दिया हमने और यहां से कस्टमर का नेम यहां पे आएगा और कस्टमर का एड्रेस जो है वो यहां पे आएगा, एड्रेस और फिर फोन नंबर, कस्टमर का जो भी फोन नंबर हो यहां पे आएगा, तो फोन नंबर हम यहां पे नंबर डेटा टाइप कर सकते हैं या शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज है, ठीक है, और यहां पे सिटी आ जाएगी या कुछ इस तरह की चीजें, तो यहाँ पे सिटी कर देता हूं, तो ये हो गया। अब यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी हमने दिया है और इसमें देखिए यहाँ पे हमने आईडी केवल दिया है, ठीक है, तो एक फील्ड हमें कॉमन रखनी होगी दोनों में,
जैसे यहाँ पे आईडी दिया है ना और वहां पे कस्टमर आईडी दिया, तो यहाँ पर भी हमें एक फील्ड कॉमन फील्ड आईडी रखनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और रो इंसर्ट करा लेते हैं ऊपर में और यहाँ पे आईडी कर देते हैं आईडी, और इसका डेटा टाइप जो है हम नंबर रखेंगे, वहां पे ऑटो नंबर रखा है यहाँ पे नंबर रख लेते हैं। तो ये हो गया और ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी हमें डालनी है, ठीक है। इससे भी पहले हमें क्या करना है, इसको सेव करके और इसमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है ताकि हम एक के बेस पे दूसरे की क्वेरी पता कर सके। तो ये यहां पर यहाँ रिलेशनशिप पे जाएंगे और इसको ऐड कराएंगे और फिर यहां पर भी इसे ऐड करवा लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कॉमन फील्ड क्या है, तो आईडी कॉमन फील्ड है तो आईडी को आईडी से लिंक कर देंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे सामने। अच्छा, इसके पहले हमें टेबल को क्लोज करना पड़ेगा, ये हमें रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करने देगा अगर हम इस टेबल को ओपन रखते हैं। तो ये हो गया। आप इसको आईडी को आईडी से लिंक कर दीजिए और फिर यहाँ पे इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये सब कर लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गई, ठीक है। अब यहाँ से इसको सेव कर लेता हूं और अब हमें क्वेरी बनानी है, ठीक है। तो हम दो क्वेरीज बनाने वाले हैं। पहली क्वेरी, क्वेरी डिजाइन में चलते हैं और टेबल वन के लिए पहली क्वेरी, ठीक है। और टेबल वन की सारी चीजें हमें चाहिए, कैलकुलेट करने का काम अभी हमने किया नहीं है, हालांकि हम कर सकते थे वहां से कैलकुलेटेड जो डेटा टाइप था उसको लेकर के हम कर सकते थे, लेकिन हमने किया नहीं क्योंकि हो सकता है कि आपके पास 2007 वर्जन हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट्स वाई यहां पे रखिए कर्सर को और यहां से जूम पे चले जाइए, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। यहां पे मैं लगा लेता हूं कोलन, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखिए प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस आएगा, तो यहां पे प्राइस इनटू यूनिट कर देते हैं तो यहां पे टोटल प्राइस आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हो गया प्राइस इनटू यूनिट। और फिर अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, कोलन लगाता हूं। अब टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए टोटल प्राइस में ही टैक्स अमाउंट छिपा हुआ है, तो यहां लिखता हूं टोटल और यहां पे प्राइस इनटू, अब फॉर्मेट हमने चूंकि परसेंट रखा हुआ है टैक्स का तो खाली यहां पे टैक्स लिख देने से हमारा काम बन जाएगा, तो यहां पे लिख दिया टैक्स, बस हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, ओके प्रेस करना है, ठीक है। और ये हमारी क्वेरी बन करके तैयार हो गई। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट का नेम है, तो मान लीजिए मैं यहां पे एंटर करता हूं कीबोर्ड, एंटर किया और फिर मान लीजिए कीबोर्ड की प्राइस है 220 रुपए एक कीबोर्ड की, और मान लीजिए ऐसे चार कीबोर्ड भी माउस MOUSE माउस कर दिया, और ये मान लीजिए कि 120 रुपए का एक माउस है, ठीक है। और एक कुल मिलाकर के 12 माउस बिके तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई, और इस पर भी 5% का ही टैक्स है तो इसके हिसाब से 72 रुपए टैक्स आ गए। तो आसानी के साथ टैक्स भी कैलकुलेट हो जाता है। और फिर इसको सेव कर लेता हूं क्वेरी वन और टू के ही नाम से सेव कर लेता हूं, तो ये क्वेरी वन हो गया, ठीक है। और यहां पे यही वो हमारा टेबल है, इसके लिए हमने क्वेरी वन बनाया यहां पे। और अब टेबल टू के लिए, तो यहां क्रिएट पे जाके फिर क्वेरी डिजाइन पे जाके और फिर टेबल टू लेंगे। अब इन सारे डेटा को हमें लेना है तो यहां से जाकर के इन सबको यहां पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें कोई कैलकुलेट करने का काम नहीं करना है, तो यहां पर डायरेक्टली हम रन पे क्लिक करते हैं और यहां पर अब हमें कस्टमर आईडी की बात करनी है। तो कस्टमर आईडी जो भी आपकी हो, तो यहां पे मैं रखता हूं A01, ये हमारी कस्टमर आईडी हो जाएगी जो कस्टमर परचेस करेगा, और यहां पर तो वन ही रहेगा। और कस्टमर का नेम जैसे मान लीजिए देवरिया, ये कर दिया। और फिर यहां पे फोन नंबर, तो कुछ भी फोन नंबर, डमी फोन नंबर डाल देता हूं आपका, जो भी हो डाल दीजिएगा। तो यहां पे देवरिया कर देता हूं, देवरिया, ओके। इसी तरह से A02, ये कस्टमर आईडी सेकंड है और यहां पे सेकंड दो आएगा, तो ये यहां पे देख सकते हैं आईडी यहां पे 12 ही करके आ रही है, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया राम। और फिर यहां पे मान लीजिए लिख देता हूं जावेद, ये लिख दिया हमने। और फिर मान लीजिए इनका एड्रेस है देवरिया, फोन नंबर ऐसे, और ये पूरा डेटा इस तरह से एंटर कर देंगे हम, और यहां से इसको सेव कर लेता हूं क्वेरी टू के नाम से। तो ये दोनों ही क्वेरीज बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं इजिली, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए इसको क्लोज करते हैं, दोनों क्वेरीज को जो हमने बनाया है, टेबल को भी क्लोज करेंगे, क्वेरी को भी क्लोज करेंगे। ये भी क्वेरी हमने कर दिया क्लोज। अब
ये देखिए, ये सारी चीजें क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक नई क्वेरी बनानी है। बनाना चाहते हो नेविगेशन बना सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म विजार्ड पे जाकर के भी बना सकते हैं और ब्लैंक फॉर्म लेकर के आप फॉर्म डिजाइन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर मोर फॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पर मॉडल डायलॉग या कुछ इस तरह की चीजें ले सकते हैं। फॉर्म विजार्ड पे भी जा सकते हैं, फॉर्म विजार्ड पर भी जा करके आप आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स हमें चाहिए और टेबल वन से ये सारी डिटेल्स हमने ले लिया है, लेकिन हमें ये टेबल वन से नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वेरी वन से, ठीक है। तो इसको हटाते हैं अभी, तो क्रिएट पे जाके वापिस से चलते हैं, कहाँ पे, फॉर्म विजार्ड पे चलते हैं और ये सारी डिटेल हमें टेबल वन से नहीं चाहिए, क्वेरी वन से चाहिए। तो ये क्वेरी वन से सारी चीजें ले ली हमने, अब क्वेरी टू से क्या क्या चाहिए हमें वो देख लीजिए। कस्टमर आईडी चाहिए, आईडी नहीं चाहिए, ये देखिए ये जो आईडी है ना ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको हटा देते हैं। कस्टमर नेम चाहिए, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ये सब चाहिए, ठीक है। और यहां से आप फिनिश पे करता हूं क्लिक, ठीक है। और इसके लिए सब फॉर्म जनरेट कर लेता हूं, डेटा टेबुलर फॉर्म में चाहिए या कैसे चाहिए वो देख लीजिए और यहां से ओके प्रेस कर दीजिए। अब ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आया हुआ है, यहां पर कस्टमर की पूरी डिटेल नीचे दिख रही है और प्रोडक्ट की पूरी डिटेल ऊपर दिख रही है, इस तरीके से ये आपका बन करके तैयार हो गया है। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग भी कर सकते हैं आप, ये देखिए इधर के साइड में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहां से इसको भी थोड़ा, क्वेरी वन जो आ रहा है इसको हटा देता हूं मैं, ये हटा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, एक कॉम्बो बॉक्स डिजाइन करना है, तो ये कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक किया और यहां पर हम एक कॉम्बो बॉक्स डिजाइन करने वाले हैं। तो ये कॉम्बो बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा और यहां पर हमें क्या करना है, ये थर्ड ऑप्शन चूज करना है और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट नेम के बेस पे या किस चीज के बेस पे आपको सर्च करना है वो देख लीजिए, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट नेम के बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट नेम ले सकते हैं, अदरवाइज आईडी के बेस पे सर्च करना चाहते हैं तो आईडी भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आईडी ही कर दिया हमने और यहां से नेक्स्ट पे जाके, और ये आईडी है, यहां से इस तरीके से ये हमने कर दिया। तो अभी सारी चीजें प्रोडक्ट आईडी के बेस पे आएंगी, ठीक है। और यहां पर पीछे का जो हिस्सा है इसका, इसको हम कोई अलग कलर प्रोवाइड कर देते हैं यहां से जाकर के, और ये इस तरीके से मैंने कर दिया। और एक काम करता हूं, कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूं और इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में ले लेता हूं, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करूंगा अभी, ये इतना छोटा, ठीक है, ठीक है। और बाकी की चीजें ऐसे ही रहेंगी। और अब यहां से व्यू पे करता हूं क्लिक, तो ये व्यू पे क्लिक कर दिया हमने। अब यहां पर देख सकते हैं ये प्रोडक्ट आईडी वन है, ये टू है, तो अभी देखिए वन है ना, और यहां पे टू जैसे ही करता हूं तो टू की पूरी डिटेल आ जाती है नीचे, देखिए कस्टमर भी टू के ही अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा परिवर्तन और करता हूं, इसका जो बैकग्राउंड है उसको भी चेंज करता हूं। पहले कंट्रोल प्रेस करके पूरा डेटा सिलेक्शन में ले लिया और अब इसको थोड़ा डार्क बना देता हूं गाढ़े में, ये देखे इसलिए, तो ये इस तरीके से करके, और फिर इसे बोल्ड कर दूंगा यहां से, तो ये बोल्ड भी कर दिया हमने, ओके। अब बोल्ड करने के बाद क्या करना है हमें, ये जो हिस्सा है इसको सिलेक्शन में लेना है, ठीक है। इसको आप किस कलर में रखना चाहते हैं ये फैसला कर लीजिए। तो जैसे सपोज कीजिए इसको हम रखना चाहते हैं ब्लैक कलर में, तो यहां से ब्लैक कर सकते हैं हम, ठीक है। ये इस तरीके से दिखेगा, अगर आप इसको अब देखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से नजर आएगा आपको, और यहां से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये प्रोडक्ट आईडी वन, ये प्रोडक्ट आईडी टू, और भी आप डालते जाएंगे तो ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी, और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेरी टू आ रहा है इसको भी आप हटा सकते हैं यहां पे जाके, और फिर ये जो क्वेरी टू है यहां पे कस्टमर डिटेल कर देंगे, यहां पे लिखता हूं मैं कस्टमर डिटेल, ओके, ये कर दिया हमने। और अब यहां से व्यू पे क्लिक करता हूं तो ये इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। और भी ज्यादा सेटिंग करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा बना पाएंगे इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। आप चाहे तो नीचे बटन्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं फुटर पे जाके, ये देखिए ये फुटर जो है यहां पर बटन भी बना सकते हैं, यहां पे जाइए ड्रैग कर दीजिए,
ये आ गया। अब यहां पे क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है, प्रिंट करने के लिए चाहिए, अंडो के लिए चाहिए, न्यू रिकॉर्ड के लिए चाहिए, तो ये न्यू रिकॉर्ड के लिए एक बटन बना के दिखा देता हूं। टेक्स्ट रखेंगे और यहां से ओके, तो ये न्यू एड रिकॉर्ड का बटन बन गया, ठीक है। और भी बटन बनाना चाहे तो यहां पे क्लिक करके आप और भी बटन क्रिएट करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फॉर्म के रूप में इस तरह से हम ये बना सकते हैं, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड ऑपरेशन है तो फर्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो जो भी करना है यहां से आप कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक और बटन मैं क्रिएट कर दे रहा हूं, ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड का भी बटन बन गया, ठीक है। और भी बटन चाहे तो आप बना सकते हैं, फिलहाल मैं दो ही बटन रखता हूं, ये डेमो वीडियो है। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर ये ऐड रिकॉर्ड का बटन आ रहा है। अगर आप कोई और भी रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहां पे जाएंगे और न्यू रिकॉर्ड ऐड कर पाएंगे। यहां पर जाइए और यहां पर जैसे मान लीजिए ओ एम आर मशीन कर दिया हमने और ये इस तरीके से इसके बीच में गैप करना होगा, ये इस तरीके से करके और यहां पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी कीमत है 2200 रुपए, ठीक है। ठीक है, और ये यूनिट, तो यूनिट यहां डाल देंगे 6 या 60 जो भी हो, और यहां पे टोटल आ जाएगा। और फिर यहां पर 5% के हिसाब से टैक्सेस चार्ज होंगे, तो यहां पे टैक्सेस आ गए। और यहां पे कस्टमर की पूरी डिटेल आएगी, तो यहां पे करता हूं रितेश कुमार, ये कस्टमर का नेम है, और ये जो कस्टमर का नेम है वो यहां पे आएगा, और यहां पे कस्टमर आईडी 3 हो जाएगी, और फिर यहां पे एड्रेस आएगा कस्टमर का, तो जो भी एड्रेस है वो डाल दीजिए। कैसे आप कर सकते हैं, अब इसको सेव कर लीजिए, यहां पे आके यहां पे जाइए। आप सेव के लिए भी अलग से बटन क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये मैंने सेव कर दिया है। सेव के लिए कैसे बटन क्रिएट करेंगे, यहां पे जाएंगे और फिर यहां पे आकर के फिर जो फुटर पे आपने बटन्स बनाए हैं वहीं पे आ जाइए, फिर यहां पर आइए और फिर यहां पे इसको ड्रैग करिए ऐसे इस तरीके से। तो जब ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और फिर यहां पे आप आ जाइए और फिर सेव रिकॉर्ड के लिए यहां पे बटन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेव रिकॉर्ड का भी बटन क्रिएट कर दिया, तो ये अब इस तरीके से दिखेगा, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस पूरे डेटा को मैं क्लोज करता हूं, यहां से क्लोज कर दिया मैंने। आप चाहे तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं कस्टमाइज भी करके। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं यहां से, और अब इसको मैं करना, ये जो पॉपअप दिया हुआ है इसको यस कर दीजिए एक बार, बस यस कर दिया ये हमने। अब इसको सेव करता हूं, ये सेव भी कर दिया, अब हमें यहां पे क्लिक करना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, इसको मैं ऊपर नीचे या फिर इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूं यहां से, ये देखिए पॉपअप को, ये देख सकते हैं। तो ये हमने कस्टमाइज कर दिया इसको, और ये अब एक सॉफ्टवेयर जैसा दिखेगा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टाइप की चीजें नहीं दिखेंगी अब। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आइकन्स वगैरह आते थे वो अब नहीं दिखेंगे। आप इसको बड़ा छोटा करिए और फिर यहां से आप चेंज कर सकते हैं, इसे 3 ले लिया, तो ये देखिए कस्टमर आईडी 3 वाले कस्टमर का पूरा डिटेल यहां पे आ रहा है, सब कुछ शो हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैसे एक डेमो सॉफ्टवेयर, मैंने दिखाने के लिए बता दिया, इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, और बहुत अच्छे से आप डिजाइन कर सकते हैं। छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अगर आपको क्रिएट करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें अभी कोई वीवीए कोड नहीं लिखना है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।